ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी एंड वाईफाई स्टडी। और कैसे हैं आप सभी? जल्दी से सभी जुड़ जाइए क्लास को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन एकेडमी इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, स्टडी प्लानर आपको दिया जाता है, टेस्ट एनालिसिस होते हैं, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस आपको दी जाती है, साथ ही के साथ स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही के साथ आपकी लाइव क्लासेस होती है, प्री लाइव सेशन होते हैं जिसको जाकर आप यहाँ पर यूट्यूब पे भी होती हैं, साथ ही के साथ आपकी एप्लीकेशन पे भी फ्री क्लासेस होती हैं, तो जाकर आप यहाँ पर अटेंड कर सकते हो, किसी भी टॉपिक को किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। वीकली टेस्ट होते हैं जिससे कि आप अपने अपना जो भी प्रिपरेशन है वहाँ पर आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। साथ ही के साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है और अनलिमिटेड एक्सेस होता है, एक बार अन अकेडमी के साथ जुड़कर आप आगे भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। SSC CGL की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और CHSL की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर सफलता बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है 17 नवंबर से। तो इसको आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए आपको यूज करना होगा एक कोड जो कि है KHUSH0122। इसको इस कोड को यूज करने पर आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, यानी कि जो भी फीस होगी उसमें 10% आपको फीस कम देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है SSC सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, जितना भी आपका टारगेट है उस आधार पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इस सब्सक्रिप्शन में भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का। ये रेफरल कोड जो है आपकी अमाउंट, फीस अमाउंट को क्या करता है, कम करता है। तो इस कोड को जरूर याद रखिएगा, KHUSH0122। और मेरी तरफ से सभी को प्यार भरा वेरी गुड इवनिंग, हाय हेलो नमस्ते, थैंक यू सो मच, सुंदर लग रही हूँ। ओके विनय, दीपक, DK, अंशुल, सभी को वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर दिया गया है डाउट एंड सोल्यूशन का ऑप्शन, तो किसी भी सवाल को लेकर अगर आपको डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन को टाइप करने की जरूरत नहीं है, सीधे फोटो क्लिक करिए, उसको जाकर गैलरी से सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर दीजिए। टीचर्स जो भी होंगे वो आपके सवालों के यहाँ पर जवाब देंगे। अपने फेवरेट टीचर से आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहां पर आपके सवालों के आपको जवाब दे दिए जाएंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर है आपके सामने, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले जम के लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। और कैसा रहा आज का आपका दिन ये भी जरूर बताइए, जल्दी से बताइए। यहाँ पर ओके चलो, तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है, पहला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड किंग जॉर्ज फाइव अज्यूम द क्राउन द इंडिया, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था, 1917 में, 1923 में, 1906 में, 1911 में। पेस्ट टमाटर की तरह लग रहा है, हाँ कुछ रेडिश सा पी लग तो रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले जॉर्ज पंचम की, तो जॉर्ज पंचम ने यहाँ पर एक दरबार लगाया गया था जिसे जाना जाता है दिल्ली दरबार के नाम से। किससे? दिल्ली दरबार के नाम से, ठीक है। ये दिल्ली दरबार लगाया गया था कब, 1911 को, ठीक है, कब, 1911 को एक दिल्ली दरबार लगाया गया जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या किया गया, यहाँ पर जॉर्ज पंचम जो रहे हैं उनको ताज ग्रहण किया गया था। इसी समय, यही वो समय था जब आपकी जो राजधानी थी, ठीक है, 1911 में जो राजधानी थी इस समय कौन सी थी, कलकत्ता थी, ठीक है। और जब इन्होंने ताज ग्रहण किया, जब ये दिल्ली दरबार लगाया गया, उसी समय दिल्ली को स्थानांतरित करके, कलकत्ता को स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया था कि भाई अब भारत देश की राजधानी जो है वो क्या होगी, दिल्ली होगी, ठीक है। कब किया गया, जब किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा ताज ग्रहण किया गया था, ठीक है। तो याद रखना 1911 में ये अनाउंसमेंट किया गया था, और दिल्ली को राजधानी के तौर पर जो माना गया है वो कब किया गया, 1912 में, ठीक है। तो कभी भी सवाल आता है कि दिल्ली जो राजधानी बनी है, कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी बनी है वो किस ईयर में बनी है, तो 1912 में। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एज अ रिएक्शन टू रॉलेट एक्ट वॉज ऑर्गेनाइज एज नेशनल ह्यूमिलिएशन डे, ठीक है। ये बहुत ही
हाँ जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी का। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, एक डेट जिसे हम राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में या फिर काला कानून के नाम से भी यहाँ पर इसको जानते हैं। ठीक है, काला कानून के नाम से जानते हैं, काला कानून के नाम से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? 6 अप्रैल 1919 में एक घटना हुई जिसमें लाया गया आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट में कहा गया कि भाई अब यहाँ पर जितने भी जो क्रांतिकारी हैं, अगर कोई भी कुछ भी करता है तो उसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के क्या कर लिया जाएगा, सीधे सराखों के अंदर यानी कि अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये डेट जो है इसको जरूर ध्यान रखिए, ये घटना है आपकी 6 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट क्या था? ये एक्ट लाया गया था कि जितने भी क्रांतिकारी जो विद्रोह कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उन सभी को क्या किया जाएगा, कहीं भी कोई भी गतिविधि देखी जाएगी तो उस पे बिना किसी एक्शन के, उसको बिना किसी अपील के, बिना किसी दलील के क्या कर लिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और इस समय काफी सारे लोगों को अंधाधुंध तरीके से क्या किया था, अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर आंसर जो है 1920 आंसर जो है 1919 होगा। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि इन 1991 गांधी जी गेव अ कॉल टू सत्याग्रह अगेंस्ट विच एक्ट द पास बाय द ब्रिटिश। 1919 की बात करें तो गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने इस अधिनियम को पारित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या होगा, रॉलेट एक्ट, कैलिको एक्ट, आर्म एक्ट या फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। तो यहाँ पर अगर सभी की बात करें, उसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो भाई 1919 से जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया है, तो अभी हमने पढ़ा था कि 1919 में एक एक्ट लाया गया जिसे कहा गया रॉलेट एक्ट। ठीक है, इसी के खिलाफ में क्या किया, गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था। कब? 1919 में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि गदर पार्टी वॉज फॉर्मड इन ईयर, गदर पार्टी का गठन कब, किस वर्ष किया गया, 1921, 1918, 1915, 1913। चलिए जल्दी से यहाँ पर सभी आंसर देंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और सभी सेशन को यहाँ पर लाइक और शेयर भी कर देंगे। राइट, चलिए जल्दी से यहां पर बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, तो अगर मैं बात करूं गदर पार्टी की, तो आप सभी जानते हैं कि ये गदर पार्टी जो है इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। कहां पर की गई थी, तो सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है, ये है आपके अमेरिका में यानी कि यूएसए में। और वहां पर किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपके इसका सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि गदर पार्टी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, और जिसके अध्यक्ष, इस पार्टी के जो अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष चुने गए, ये कंफ्यूज होता है कि स्थापना किसने की और अध्यक्ष कौन बने थे, तो सोहन सिंह भाखना। ठीक है, इनको क्या बनाया गया, गदर पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। स्थापना किसके द्वारा की गई, आपकी लाला हरदयाल के द्वारा। कहां पर स्थापित किया गया, कहां पर स्थापना हुई, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, और कब हुई, तो जुलाई 1913 में। ठीक है, तो सभी का आंसर जो है यहां पर क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, री अनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मैसिव किलिंग। डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि जो थी उसको अस्वीकार कर दिया था। नाइटहुड की उपाधि जो है वो किसको दी जाती थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार जब किसी व्यक्ति से खुश होती थी, जो उन्हें सहयोग करते थे, उनको क्या करती थी, वो नाइटहुड की उपाधि देती थी। ठीक है, तो जलियांवाला हत्याकांड जो है ब्रिटिश सरकार के विरोध में
जलियांवाला जो बाग है अमृतसर में, वहां पर लोगों ने इकट्ठा होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। ठीक है, पूरे के पूरे बाग में बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और ये घटना थी आपकी 13 अप्रैल, तब की है 13 अप्रैल 1919 को, जहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो वहां पर ठीक है, जो वहां पर जनरल ओ डायर थे उनके द्वारा वहां पर ऑर्डर दिया गया, जितने भी लोग इस जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे उन सभी की क्या की गई, सामूहिक हत्या की गई। ठीक है, और इसी से नाराज होकर क्या किया रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसकी उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और इसको इन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया, इन्होंने क्या कर दिया, इस उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा एक चीज और, ये चीज भी याद रखिएगा, जो जनरल डायर थे, कौन थे, जनरल डायर ने क्या किया था, जनरल डायर ने इसका ऑर्डर दिया था, किसका, फायरिंग का, जलियांवाला, और इनकी हत्या किसके द्वारा की गई, ऊधम सिंह के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई, ऊधम सिंह के द्वारा, और बाद में ऊधम सिंह को 1940 में क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई थी। चलिए अगला सवाल है, द काकोरी कांड वॉज प्लान्ड इन 1925 बाय द मेंबर ऑफ ओवर टर्न ब्रिटिश रूल थ्रू आर्म्स, हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की उन योजना जो की बनाई गई थी, कब, 1925 में, के सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी काकोरी कांड था, काकोरी कांड जो था इसमें बेसिकली सहारनपुर से जो लखनऊ जाने वाली ट्रेन थी, ठीक है, वहां पर ब्रिटिश खजाने को लूटने के लिए क्या किया गया था, जो आपके सचेंद्रनाथ जो लोग थे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जिन्होंने स्थापना की थी, उनके द्वारा क्या किया था, ये काकोरी कांड किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, जिसका गठन कब किया गया, 1924 में, कब किया गया, इसकी स्थापना की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, कब, 1924 में, और 1925 में ही इसके जो सदस्य थे, इसके जो सदस्य थे कौन कौन थे, सचिंद्र सन्याल और योगेश चटर्जी, इन सभी ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर इस ये जो डकैती थी ब्रिटिश सरकार के खजाने को जो लूटने का षड्यंत्र था वो किसके द्वारा किया गया, आज हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का यहाँ पर कि मेंबर ऑफ विच नेशन एसोसिएशन वर लीड बाय चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जिस राष्ट्रीय संघ का नेतृत्व किया जा रहा था वो कौन सा था, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेवा, राष्ट्रीय सेवा संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो सभी का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी सेशन को यहाँ पर लाइक और शेयर कर देंगे, जल्दी से बताएंगे कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो आपकी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 1928 में, कब, 1928 में, कहाँ पर, दिल्ली का जो दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहां पर की गई थी, कहां पर की गई थी, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। ठीक है, जिसमें कौन कौन थे, आपके चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे और राम प्रसाद बिस्मिल भी शामिल थे। कौन कौन थे, एक तो आपके चंद्रशेखर आजाद हो गए, दूसरे कौन थे, भगत सिंह थे, इसके अलावा सुखदेव, सुखदेव कम उम्र के क्रांतिकारी रहे हैं, ठीक है, जिनको बहुत कम उम्र में ही फांसी दे दी गई थी, और चौथे हैं आपके राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब की गई, 1928 में, कहाँ पर, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। इस संगठन की अगर बात करें तो इस संगठन ने काफी सारे कार्य किए हैं, जैसे कि मान लो सांडर्स हत्या हो गया, लाहौर षड्यंत्र हो गया, केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंकना हो गया, इन्हीं सभी लोगों ने, इन सभी जो एक्टिविटीज थी उनमें यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। एनी बेसेंट आपकी सिस्टर थी, क्यों भाई, मेरी क्यों सिस्टर होंगी, और वहां
मतलब क्या बोलूं इस चीज पे, कुछ भी सवाल करने होते हैं। इनी बेसिन कौन लगती है? क्यों भाई, इनी बेसिन कौन लगती है? ओके, विच इंडियन फाउंडेड द नटल इंडियन कांग्रेस? नटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, गोविंद राणा डे के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा? कहाँ कहाँ से दिमाग लगाते हो, है कंपैरिजन भी देखो। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। विजय पाल, वेरी गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। नटल इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं इंडियन नटल जो कांग्रेस है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? तो कब की गई? 1894 में। कब की गई? 1894 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे। कहां पर की गई? साउथ यानी कि दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। क्यों की गई थी? जो वहां पर रंग भेद को लेकर जो भेदभाव था, ठीक है, जैसे यहाँ पर अलग तरीके की समस्या चल रही थी, आजादी के लिए लड़ रहे थे, वहां पर भी गोरे और काले के बीच जो भेदभाव था उसको समाप्त करने के लिए ही, उससे लड़ने के लिए गांधी जी ने किस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, किसकी स्थापना की? नटल इंडियन कांग्रेस की। पूछा जाता है कि कब की? तो 1894 में। ठीक है, कब की गई? 1894 में। अगला सवाल है आप सभी का कि गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो कहां पर हुआ था? चलिए जल्दी से यहां पर बताइए कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। नाम है बच्चे संस्था का, बहुत अच्छे, कुमुद कुमार, बहुत बेवकूफ लड़का, महात्मा गांधी। ओके, चलिए ठीक है भाई, मान ली आप लोगों की बात और जल्दी से सेशन को सभी लाइक एंड शेयर कर देंगे। और यहाँ पर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जब गांधी जी पहले कहाँ गए थे, गांधी जी ने अपनी वकालत पूरी की और फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए? साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने वहां पर काफी सारे मूवमेंट किए जिसमें उनको क्या हुई, सफलता हासिल हुई। उसके बाद जब गांधी जी प्रॉपर इंडिया वापस आए 1915 में, ठीक है, तो इनके गुरु जी से ये मिले। इनके जो गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप पहले भारत के बारे में, भारत को जानिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भारत भ्रमण करना पड़ेगा। और उसी के दौरान ये पहुंचते हैं 1916 में, एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का, कहां पर? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जहां पर गांधी जी जाते हैं। और वहीं पर गांधी जी से एक व्यक्ति आकर मिलते हैं जिनका नाम होता है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, शुक्ल जी ने आकर इनकी जो जिंदगी का उद्देश्य था वो उनको सौंप दिया कि भाई आप क्यों गांधी जी से आकर ही शुक्ल जी मिले, क्योंकि गांधी जी के बारे में ऑलरेडी सबको पता था कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में लोगों की मदद करने के लिए काफी कुछ किया है और उसमें इन्हें विजय भी मिली है। तो इसी के चलते, इसी आशा के तौर पर रामचंद्र शुक्ल जाकर लखनऊ में गांधी जी से निवेदन करते हैं कि चंपारण, जो कि कहां पर था, आपके बिहार में चंपारण में, तिनकटिया पद्धति याद रखिएगा। किसके लिए विरोध करने गए थे गांधी जी चंपारण में? तिनकटिया पद्धति। ये क्या था? ये 3/20 भाग पर क्या किया जाता था, नील की खेती की जाती थी जिससे किसानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता था। ठीक है, अकाल पड़ रहा है, कुछ भी समस्या हो रही है, तो इसके चलते यहाँ के जो किसान हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी का आग्रह किसके द्वारा किया गया? रामचंद्र शुक्ल ने। गांधी जी तुरंत तैयार हो गए। गांधी जी तो चाहते ही थे कि लोगों की भलाई की जाए, लेकिन उनको एक उद्देश्य चाहिए था जो कि उनको यहाँ पर मिल गया। कहाँ पर? चंपारण में। और फिर देखो, 15 में आए हैं, 16 में लखनऊ अधिवेशन अटेंड किया और 1917 में पहुंच जाते हैं कहाँ पर? चंपारण में। चंपारण में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर एक किसान विद्रोह करते हैं और ब्रिटिश सरकार को इस चीज के लिए मनाते हैं कि भाई ये जो आपने तिनकटिया पद्धति है इसको आप क्या करिए, हटाइए। ठीक है, सॉरी, राजकुमार शुल्क। ठीक है, राजकुमार शुल्क। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला सवाल है आप सभी का कि गांधी जी सर्वोदय से क्या तात्पर्य है। गांधी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो गांधी जी अक्सर एक शब्द को यूज करते थे जिसका नाम था सर्वोदय। सर्वोदय जो है मैम जी का क्वेश्चन बनने बच्चे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज के लिए, है ना, परेशान मत हो, प्रैक्टिस करने से ही होगा। सर्वोदय शब्द का यहाँ पर क्या मतलब है, अहिंसा या फिर अछूतों और दलितों के उत्थान के लिए था, या फिर नीतियों मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, या फिर सत्याग्रह। तो आपके अनुसार यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर आ रहा है, सर्वोदय, सबका उदय। सर्वोदय का मतलब है सबका उदय, तो यहाँ पर सबके उपदय की अगर बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये बात दर्शाता है, ये शब्द दर्शाता है कि अछूतों जो बैकवर्ड लोग थे उनके उत्थान की बात गांधी जी के द्वारा की गई थी। शब्द को पकड़िए, ठीक है, शब्द पकड़िए, सर्वोदय, सबका उदय। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है, यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, इन विच सिटी महात्मा गांधी डिड सक्सेसफुली लीड मील वर्कर स्ट्राइक इन 1981 AD। अब देखो 1917 में इन्होंने एक सत्याग्रह किया, है ना, और कहां पर किया, चंपारण में किया, जहां पर ये सक्सेसफुल रहे। उसके बाद ये 1918 में इनके सामने फिर एक चैलेंज आया, जहां पर मजदूर क्या हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए, क्या अभी कनेक्ट नहीं हुआ है तुर्की, अभी आ रहा है, दिखाई दे रहा है, चलिए कोई बात नहीं, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये बेसिकली अली बंधुओं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। खिलाफत तो जो सत्याग्रह है इसको शुरू किया गया था अली बंधुओं के द्वारा, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे। इस संगठन को कहां पर बनाया गया, बंबई में बनाया गया, और क्यों बनाया गया, खिलाफत एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि जो आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसमें जो मुस्लिम थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता की थी, कब, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है, और इसके बदले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये प्रॉमिस किया गया था कि जो तुर्की में इनके खलीफा, सारे विश्व के जितने भी मुसलमान थे वो तुर्की में जो उनके खलीफा थे उनको मानते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ उसके बाद क्या किया कि जो तुर्की के खलीफा का पद था उसको समाप्त कर दिया, जिससे कि सारे के सारे मुसलमान जो थे वो काफी नाराज हो गए थे। तो इसको सभी ध्यान रखिएगा, आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल। अगला सवाल है आप सभी का, खिलाफत कमेटी का गठन जो है अली बंधुओं के द्वारा किया गया। अली बंधुओं में आप याद रखिएगा जिन्ना और शौकत अली हैं, ठीक है, जिन्ना और शौकत अली, ठीक है। और ये जो खिलाफत समिति जो गठित की गई ये कब की गई, ये आपको बताना है। तो इसका गठन कब किया गया था, बम्बे में किया 1919 में, 1920 में, 1919 में, और कोलकाता 1919 में, या फिर लखनऊ 1919 में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बम्बे में 1919 में क्या किया गया, खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। तो ए आंसर यहां पर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तो जब खिलाफत कमेटी जब बनाई गई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये असहयोग आंदोलन जो है ये बेसिकली गांधी जी के द्वारा चलाया गया 1920 में,
जब उन्होंने देखा कि मुस्लिमों को जो खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया, और यही एक टाइम था जब हिंदू और मुस्लिम एकता हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है अब जितने भी मुस्लिम हैं वो ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सही बात है कि अब इंडिविजुअली तो वो नहीं लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक होना ही था। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक हो जाते हैं और गांधी जी इसके लिए प्रस्ताव रखते हैं कि हम आपके साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या चलाएंगे, असहयोग मूवमेंट चलाएंगे, जिसमें हम ब्रिटिश सरकार को अब सहयोग नहीं करेंगे। ये घटना आपकी खिलाफत मूवमेंट के बाद की है, याद रखिएगा, तब की है 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जो कि खिलाफत मूवमेंट जिसके थ्रू चलाया गया, और इसी में यहाँ पर गांधी जी के द्वारा जो इसके बाद चलाया गया 1919 में, वो कौन सा मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगला सवाल है, चौरी चौरा कांड जो है ये कब हुआ था? तो भाई अब देखो, गांधी जी जो है वो अहिंसा का पालन करते थे, वो चाहते थे शांत प्रिय तरीके से ब्रिटिश सरकार से लड़ा जाए, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो आपकी कांग्रेस का गठन हुआ था, जब स्टार्टिंग में गठन किया गया तो ब्रिटिश सरकार ही कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को रेगुलेट कर रही थी, मतलब जो एओ ह्यूम थे उन्होंने सारे के सारे जितने भी क्रांतिकारी थे उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा कर दिया कि अब यहाँ से आप अपने देश के लिए जो भी करना चाहते हैं यहाँ से कीजिए, जिस पे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार नजर रख रहा था। लेकिन उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये चीज समझ में आ रही थी कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर ये चीज को हमें इम्प्लीमेंट नहीं होने देगी, जिसके कारण आपने देखा होगा कि आगे जाकर 1907 में सूरत जो अधिवेशन हुआ था वहां पर यही इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया, है ना, ये दो भागों में विभाजित हो गया, एक कहलाए गरम दल और एक कहलाए नरम दल। गरम दल यानी कि वो लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में डायरेक्टली अग्रेसिवली क्या करना चाहते थे, विरोध करना चाहते, लेकिन उदारवादी वो लोग थे जो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही ब्रिटिश सरकार को समझाते बुझाते अपनी नीतियों को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। लेकिन हमें उनसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है, उग्रवादियों का मानना ऐसा था कि हम क्यों उनसे रिक्वेस्ट करके इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो यहीं पर शुरू होती है घटना। तो जब गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया 1920 में, गांधी जी के द्वारा जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चौरी चौरा की घटना होती है जहां पर गांधी जी बहुत नाराज हो जाते हैं। ठीक है, चौरी चौरा की घटना क्या होती है कि एक पुलिस स्टेशन में, गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में सारे के सारे जितने भी वहां पर ब्रिटिशर्स थे उनको बंद करके जला दिया गया था, जिससे कि गांधी जी काफी नाराज हो गए थे। और उसके बाद 1900 जब ये चौरी चौरा कांड हो गया, तो उसके बाद 1922 में ही ये सवाल पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था वो कब समाप्त कर दिया गया। तो याद रखिएगा, चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि शांति प्रिय तरीके से करना चाहते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक वॉयलेंस वाली घटना थी जिससे गांधी जी काफी नाराज होते हैं, और ये घटना है कब की, 1922 की। तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुखदेव और राजगुरु, अण्णा आसफ अली और सुभाष चंद्र बोस। चलिए जल्दी से यहाँ पर सभी आंसर देंगे कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए। तो जो आपकी स्वराज पार्टी है, ये सभी जो पार्टियां गठन की गई हैं ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी नीतियों का विरोध करने के लिए था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका विरोध करने के लिए था। तो यहाँ पर जो स्वराज पार्टी है इसका गठन किया गया 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को,
और ये जो इसकी जो कमिटी है ये इलाहाबाद अधिवेशन जो हुआ था आपका कांग्रेस का उसी में बनाई गई थी, और इसके अध्यक्ष के तौर पे कौन रहे हैं, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास। याद रखिएगा ये दो नाम हमेशा की मोतीलाल नेहरू है ना और चितरंजन दास, एम एल नेहरू और सी आर दास, ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का क्या किया, गठन किया। चलिए तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, किस वर्ष साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था, जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। साइमन कमीशन जो है भारत किस वर्ष आया था, ठीक है, तो देखो 1919 में जो कमेटी बनी थी उसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया, साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर, डेट पूछा जाता है 8 नवंबर 1927 को, लेकिन ये भारत कब पहुंचा, भारत पहुंचा ये 3 फरवरी 1928 को, ठीक है, तब 1928 को, याद रखिएगा ये सवाल आपका पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। जब साइमन कमीशन भारत आया, जो समीक्षा इन्होंने की थी साइमन कमीशन के द्वारा जो समीक्षा प्रस्तुत की थी उसको सभी के सभी लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया, तभी एक नारा लगाया गया गो बैक साइमन, ठीक है, गो बैक साइमन। तो यहाँ पर जो आंसर है वो सभी का क्या हो जाएगा 1926, ठीक है, यहाँ पर 1926 नहीं 1928 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन दिया गया है, इसको सही कर लीजिएगा। अब बात करेंगे भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1928 में कौन आया था, साइमन कमीशन आया था, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहाँ पर इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी, सर जॉन साइमन के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा सर जॉन साइमन के द्वारा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है वो किसके द्वारा किया गया। देखो बिहार का तो सभी जानते हैं कि चंपारण में जो नमक सत्याग्रह जो है बेसिकली जाना जाता है गांधी जी के, लेकिन तमिलनाडु में भी नमक सत्याग्रह किया गया था, वो किसके द्वारा, भारतीदास के द्वारा या सुब्रमण्यम भारती के, श्रीनिवास शास्त्री के द्वारा या सी राजगोपालाचार्य के द्वारा। तो 1930 में, ठीक है, 1930 में गुजरात में गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह चलाया गया था जिसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, और दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी के द्वारा क्या किया गया, नमक सत्याग्रह जो है उसका नेतृत्व किया गया। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत में गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे और दक्षिण भारत में कौन कर रहा था, सी राजगोपालाचारी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि पूना पैक्ट जो है 1923 में साइन किया गया, पूना समझौता जो है वो किया गया कब, किसके मध्य किया गया, भीमराव अंबेडकर गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी वायसराय इरविन के द्वारा, भीमराव अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी मैटकॉप के द्वारा। ब्रिटिश सरकार की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये जो पूना समझौता है ये कराया गया था किसके द्वारा, रैमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा, ठीक है, जब आपका जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें क्या किया गया कि अलग जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको अलग आरक्षण प्रदान किया गया था, जिससे कि गांधी जी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, और यहीं पर इसको कहा गया सांप्रदायिक पंचाड यानी कि कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक समझौता कराया गया कि भाई आप इसको, अब क्योंकि गांधी जी का जो इन्वॉल्वमेंट था वो सभी चीजों में था, तो यहाँ पर भी गांधी जी की परमिशन के बिना तो ये नहीं होना था, तो यहाँ पर पूना समझौता कराया गया और दलितों को क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर किसके मध्य समझौता हुआ है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के द्वारा, लेकिन गांधी जी जो पूजा समझौता हुआ है जो एक पूरा का पूरा हार्ड कॉपी बनती है, कोई भी अग्रीमेंट होता है ना तो एक दोनों पार्टीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो दोनों के साइन होते हैं, लेकिन गांधी जी तो सहमत नहीं थे, तो गांधी जी ने इस पे साइन नहीं किए थे। सवाल पूछा जाता है कि पूना समझौता जो हुआ था क्या गांधी जी ने उस पे सिग्नेचर किए थे, नहीं,
उस पे भीमराव अंबेडकर ने किए थे और MMM मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा उस पे साइन किए गए गांधी जी के बिहाव पर, ठीक है, इसके गांधी जी के बिहाव पर ही MMM ने यानी कि मदन मोहन मालवीय के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हेलो राधिका, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से किसने गोल में सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, जो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, जल्दी से बताइए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो तीन राउंड कॉन्फ्रेंस होती हैं, एक होती है 1930 में, दूसरी होती है 1931 में, और तीसरी राउंड टेबल यानी कि गोल में सम्मेलन होता है 1932 में। इन तीनों में किसने पार्टिसिपेट किया था, ये सवाल पूछा जाता है। तो इसमें पार्टिसिपेट किया था किसके द्वारा किया गया था, तीनों गोल में सम्मेलन में थे अंबेडकर जी, क्योंकि अंबेडकर जी को जो आरक्षण चाहिए था वो उनको वही लोग दिला सकते थे, इसीलिए वो उसमें अपने पूरी जीनान से उन्होंने सारी की सारी गोल्डमैन सम्मेलन है उनको अटेंड किया और अंततः उनकी जीत भी हुई, उनका जाना सफल भी हुआ। ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन सा जो राउंड टेबल है वो अटेंड नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई, रैमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया था किसके द्वारा, रैमजी मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है आप सभी का कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं थी, अच्छे से पढ़ लीजिए। नमक टैक्स हटाना है, कानून तौर पर उत्पादन व्यापार बिक्री की अनुमति देनी है, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोल सम्मेलन में भाग लेना है, या फिर कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो रोकना होगा। तो गांधी और इरविन के बीच क्या हुए थे, समझौते हुए थे और उसमें कुछ कुछ बातें लिखी गई थी। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी सवाल आए कि दिल्ली समझौता, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। दिल्ली समझौता किसके मध्य हुआ था, गांधी और इरविन के मध्य हुआ था, जहां पर पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वहां की बातों से गांधी जी सहमत नहीं थे और फिर गांधी जी ने कुछ कुछ बातों को यहाँ पर रखा था। तो इसमें कौन सी एक शर्त थी जो शामिल नहीं थी, तो उसमें था खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, ये शामिल नहीं था। इसके अलावा नमक टैक्स हटाना है, कानूनी तौर पर उत्पादन व्यापार और बिक्री की अनुमति देनी पड़ेगी, है ना। ये सभी चीजें गांधी जी ने किसको बोली है, इरविन को बोली थी समझौते के तौर पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन से रोकना, ठीक है, ये शर्तें, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स थे जिसको हम बाद में डिस्कस, क्या बच्चे सचिन, ठीक है, ये 1932 में हुआ था, 1931 में, ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के बाद किया गया था। अगला सवाल है व्हेन क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया 1942, क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो कब आया था, ये सवाल आपसे पूछा गया है, कब आया था 1942 में, और इसमें इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे जब क्रिप्स मिशन भारत लाया गया तो उस समय जो भारत के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर, विंस्टन चर्चिल, पैथिंग रॉलेंस या फिर क्लीमेंट एटली। यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, इसके आंसर जो है उस समय कौन थे आपके, विंस्टन चर्चिल जो थे वो क्या थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और चर्चिल के साथ ही जिन्ना ने मिलकर यहीं पर ही बात कर ली थी, ठीक है। कभी सवाल पूछा जाए तो जो अलग पाकिस्तान की जो मांग है वो जिन्ना ने चर्चिल के साथ ही समझौते पर ऑलरेडी पहले ही कर लिया था, बंटवारा तो जो बाद में हुआ है लेकिन उसके लिए जो प्रस्ताव था वो जिन्ना पहले ही रख चुके थे, किसके सामने, चर्चिल के सामने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है आप सभी का, इन विच ईयर द फॉलोइंग लोकेशन वॉज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी 1942, महात्मा 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा कि भारत छोड़ो मूवमेंट जो है
इसकी भारत छोड़ो मूवमेंट जो है 1942 में रेगुलेट किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना, भारत छोड़ो मूवमेंट की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा? मौलाना अबुल कलाम कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया मुंबई में। मुंबई में कहाँ पर? अगस्त क्रांति मैदान में। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है क्या हो जाएगा? और इसी मूवमेंट के द्वारा काफी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सरोजनी नायडू हो गए, ठीक है, कस्तूरबा गांधी हो गए, आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, बहुत सारे लोगों को इसी के दौरान, भारत छोड़ो मूवमेंट के दौरान अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन ग्वालियर टैंक। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको लगता है कि जो भी कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है वो सही नहीं है, किसी भी तरीके का गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है, या फिर आपको लग रहा है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव वाली कोई भी बात आपके सामने की जा रही है, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं और प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो इसमें आप लोग मतलब इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा। साथ ही के साथ जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा और क्लास